तो ऑटो वाले टैक्सी वाले तो आपको लूट ही लेंगे, ठीक है, इसलिए मैं यही है कि आप बस से जाओ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लेखू और आप देख रहे हो लेखू खुशी ब्लॉग। तो आज मैं जा रहा हूं भाई अपने घर से दूर, मतलब कि ट्रेवलिंग में जा रहा हूं, और आपको ना इस ट्रेवलिंग में बहुत कुछ जानने को मिलेगा, नई नई चीज़ मैं दिखाऊंगा, बहुत मज़ा बहुत ज़्यादा आएगा इस ट्रेवलिंग में। तो प्लीज़ न्यू हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। तो चलो चलते हैं, चल रहे हैं मुझे बस स्टॉप तक छोड़ने के लिए। देखो भाई लोग जा रहे हैं, ठीक है, और वहाँ से मुझे बस स्टॉप, इसके बाद मुझे ट्रेन पकड़ के आगे जाना होगा। तो चलो आपको मिलने वाला है बहुत कुछ नया यूनिक सा। तो 4 घंटे लग, मतलब 3 घंटे लग जाएंगे, इसके बाद हमें पकड़ना है ट्रेन, ठीक है। तो आपसे मुलाकात करते हैं अभी जबलपुर में। दोस्तों मैं पहुँच गया भाई जबलपुर में, और जस्ट मैं अभी अपनी बस से उतरा हूँ, मेट्रो बस में, जिसे हम लोगों के यहाँ से मतलब सिटी बस भी बोलते हैं उसको, ठीक है। और अभी हम जाने वाले हैं फ्रेंड के पास, जहाँ से हमको मिलेगा टिकट वगैरह और वहाँ कंसल्ट होगा, इसके बाद हम ट्रेन में बैठ के निकलेंगे। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ भाई तीन पट्टी में, अब ये यहाँ पे हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, इसका साथ से भी जाना मैंने कैंसिल कर दिया है, क्योंकि यहाँ से रेलवे स्टेशन ज़्यादा पास में रहेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहीं से आ रहा हूँ, चलो मैं यहाँ का कुछ नज़ारा दिखा देता हूँ आपको। अभी रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, तो चलो अब रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। तो दोस्तों मैं रेलवे स्टेशन पहुंच गया हूं, ये देख लो मेरे पीछे जो देख रहे हो आप, ये रेलवे स्टेशन है। अभी हम उतरेंगे, अंदर जाएंगे और फिर टिकट लेंगे। ये देख लो आप, इस तरह से ये नज़ारा है यहाँ रेलवे स्टेशन का कुछ। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ भाई ट्रेन में, कोच में सफ़र करने वाला हूँ भोपाल तक के लिए, और आप देखना मैं आपको जनरल कोच का नज़ारा दिखाता हूँ, इंडियन ट्रेन वो भी जनरल कोच में क्या कैसा रहता है। और भाई बड़ी मुश्किल से ना, मतलब टिकट भी नहीं है क्योंकि हम लोग लेट हो गए थे, तो चलो आपको दिखाते हैं। बड़ी मशक्क़त के साथ यार ट्रेन की टिकट मिली, वो भी जनरल टिकट मिली, और ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं था इसलिए हमें टेंशन नहीं था, इसलिए मैं सोच रहा हूँ 6-7 घंटे का सफ़र है तो जनरल में जाना ज़्यादा बेहतर था। भाई खड़े खड़े ना मेरा सर दर्द करने लगा है और मुझे थोड़ा चक्कर भी आने लगा है, वाकई में यार जनरल डिब्बे में बहुत से ज़्यादा भीड़ हो गई है। और देखो मैं बैठ गया भाई, बड़ी मतलब ज़मीन पे भी बैठ गया क्योंकि चक्कर बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी। ऐसा गलती कभी दोबारा नहीं करूँगा कि जनरल डिब्बे में सफ़र करने का, वो भी इतना लंबा सफ़र। और देखो बाहर का नज़ारा कितना खूबसूरत नज़ारा है, 100 किलोमीटर लगभग चलने के, ट्रेन चलने के बाद भाई खाली हुई ना तो मुझे मिला सीट मिली है, हालत बहुत ज़्यादा टाइट हो गई थी, चक्कर आ भी रहा था। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप ट्रैवलिंग करते हो तो जनरल डिब्बे में सफ़र तो बिल्कुल ना करें, अगर आप लंबे सफ़र में जा रहे हो तो, क्योंकि हालत आपकी बहुत ज़्यादा टाइट होती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सीट मिली जाए, ठीक है। अभी चलते हैं भाई, कहाँ पर जा रहे हो ना ये आपको लास्ट में पता चलेगा, तो भाई वीडियो को पूरा देखना, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। भोपाल स्टेशन में हूँ और यहाँ पे मैं भी, मेरी ट्रेन आई है देखो, इस वाली ट्रेन में मैं आया हूँ, और यहाँ से मुझे अपना एक सामान रिसीव करना है, इसके बाद एक दूसरी ट्रेन पकड़नी है और इसके बाद जाना है, ठीक है। तो अभी भोपाल पहुँचे हैं, अभी सफ़र बहुत लंबा है, तो प्लीज़ यार वीडियो को पूरा देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना अपने दोस्तों के साथ। तो अभी भाई यहाँ है, अभी बहुत कुछ करने वाला हूँ, ठीक है, तो चलो चलते हैं। दोस्तों मेरा ना भोपाल का रेलवे स्टेशन में विज़िट करना, मतलब मेन रेलवे स्टेशन में पहली बार मैं विज़िट कर रहा हूँ, और यहाँ भी बहुत ज़्यादा क्राउड है, लगभग 8:30 बज चुके हैं, तो काफ़ी हैं। अभी मुझे यहाँ से एक न्यू टिकट भी लेना पड़ेगा। दोस्तों भोपाल का रेलवे स्टेशन काफ़ी बड़ा है यार, आप देख सकते हो यहाँ पर इतना बहुत ज़्यादा क्राउड है, और भाई मैं कब से चल रहा हूँ, मुझे तो पार करने, मतलब क्रॉस करने के लिए ना पुल ही नहीं मिल रहा है, वो जो ब्रिज होता है वो ही नहीं मिल रहा है, फिर देख लो इतना दूर आ गए हम। दोस्तों तो मुझे मेरा पार्सल मिल गया है, और अब मुझे जाना है भाई, क्योंकि मेरी ट्रेन जो आएगी लगभग 10 बजे के आसपास आएगी, उसमें मुझे बैठ के जाना है। उससे पहले ना कुछ पेट पूजा कर लेते हैं भाई, क्योंकि मुझे भूख भी बहुत चमकी लगी हुई है, ठीक है। तो पार्सल मिल गया है और अब चलो चलते हैं। तो दोस्तों मैं पहुँच गया हूँ भाई, मतलब मैंने अपना पार्सल ले लिया है जो मुझे वहाँ पर ले जाना है। अब अभी मैं बैठ गया हूँ यहाँ पे गुड़वाना एक्सप्रेस में, जो मुझे कल सुबह लगभग 7 से 6 बजे के बीच में दिल्ली छोड़ देगी।
तो आप वीडियो को पूरा वॉच करना, इसके बाद आपको पता चलेगा कि मैं दिल्ली में क्या क्या करने वाला हूँ, ठीक है। और न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ। तो भैया लोगों के साथ बैठ गया भैया मैं अभी। हाय आशीष। दोस्तों आप ये देख लो भाई, गुड़वाना एक्सप्रेस जिसमें मैं जा रहा हूँ, ये भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। अब देख लो जनरल डिब्बे की हालत क्या है भाई, आप देखो ये। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह सुबह हो गई है भाई और अभी मैं उठा और मेरी ट्रेन आज 5 घंटे लेट है, बहुत ज़्यादा। मुझे 7 बजे के आसपास दिल्ली पहुँचानी थी, लेकिन अभी ये 7:30 बज रहे हैं और मथुरा नहीं पहुँची है, तो हमारी ट्रेन तो बहुत ज़्यादा लेट हो गई है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ सुबह सुबह का नज़ारा। सुबह सुबह का नज़ारा देख लो, इस तरह से किस तरह धुंध छाई हुई है। ये हम मथुरा पहुंचने वाले हैं, आसपास का देखो अभी ये पूरा इससे दिख नहीं रहा है, इतना ज़्यादा धुंध है यहाँ। ये सब पॉल्यूशन का माहौल सुबह सुबह कुछ इस तरह से है। दोस्तों मैं बिल्ली को ना पानी पिला रहा हूँ क्योंकि ये प्यासी थी, तो भैया ने मदद किया मेरी और देखो बड़ी प्यार से ये पानी पी रही है, बड़ी स्वीट है। ये पर्शियन बिल्ली है। तो देखा है आपने जो ये पैड्स हैं मेरे हाथ में, इसमें देखो आप ये, और इसके साथ में ये पैड से भाई देखो, और इसको लेकर जा रहा हूँ मैं यहाँ पे। दोस्तों मैं दिल्ली पहुँच गया हूँ, मतलब दिल्ली के करीब ही आ गया हूँ, थोड़ी देर में दिल्ली पहुँच जाऊँगा। और अब जो कैट्स देख रहे थे ना, वो बहुत ही स्वीट थी, मैंने उसको पानी वानी पिलाया उसको। दिल्ली में क्यों जा रहा हूँ ना, ये आपको एंड में पता चलेगा, तो वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों मैं पहुँच गया हूँ भाई दिल्ली में और मैं अब निकल रहा हूँ भाई ट्रेन से अपनी, ठीक है चलो दिखा रहा हूँ। तो मैं निकल आया हूँ भाई ट्रेन से, बाहर आ गया हूँ और मेरे हाथ बास्केट जिसमें हम लोग जाना है मुझे आउटर साइड, ठीक है। स्टेशन देख लो, रेलवे स्टेशन ये कुछ इस तरह से पूरा, ये देखो ऊपर चलते हैं, किस साइड निकलना है, एग्जिट है ये पूरा देखो। दोस्तों ये बास्केट कैरी करने में ना मुझे बहुत प्रॉब्लम जा रहा है, बाहर निकल रहे हैं, बाहर निकलने में काफ़ी टाइम लग गया, बाहर निकल गया भाई, थक गया, मेरा हाथ बहुत दर्द करने लगा और मैं बाहर निकल के इंतज़ार करूँगा उस पर्सन का। अच्छा तो मैंने यहाँ पे दे दिया भाई इनको, देखो भैया ये देख लो बात। दोस्तों मैंने 2 कैट्स को तो मैंने दे दिया है भाई, अब ये एक और बची हुई है, अब इसको मुझे न्यू रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा, वहाँ पे इसको देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और यार ये दिल्ली ना बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन वाला शहर है भाई, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। तो मैं भाई अभी ना दिल्ली के रेलवे स्टेशन में भटक रहा हूँ, पता है मेरे को सिटी बस की ज़रूरत है पर वो सिटी बस यहाँ नहीं मिल रही है, वहाँ नहीं मिल रही है। मतलब अगर न्यू दिल्ली जाना है तो आपको 1 नंबर प्लेटफॉर्म में आना पड़ेगा, 1 नंबर प्लेटफॉर्म से एग्जिट होना पड़ेगा, तब आपको वहाँ के लिए मिलती है। और दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, अगर आप मतलब निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से अगर न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन जाते हैं तो ऑटो वाले टैक्सी वाले तो आपको लूट ही लेंगे, ठीक है। इसलिए मैं यही है कि आप बस से जाओ, ज़्यादा सही है, कुछ ही दूर चलने के बाद आपको बस मिल जाती है वहाँ के लिए। तो चलो सामने बस दिख रही हैं, हम बस पे चल बस के पास चलते हैं, देख लो आप दिख रही हैं बसें, ये बसें हमारी जाएंगी। एक्चुअली मेरे साथ पैटसन है एक, तो थोड़ी सी दिक्कत है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों मुझे सिटी बस मिल गई है और मैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन चला जाऊँगा, ठीक है। दोस्तों मैं कैट देने दिल्ली आया था, ये जो आप कैट देख रहे हो ये हिमालयन कैट है और अभी मेरे फ्रेंड ने एक मतलब बिजनेस शुरू किया है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कैट सप्लाई करते हैं। 3 कैट थी, 2 पर्शियन थी और ये हिमालयन कैट है। तो ये देख लो बहुत ही प्यारी लग रही है ना यहाँ पे। अब मुझे ना न्यू दिल्ली की जा रहा हूँ, तो देखो ये रेल कितना खूबसूरत नज़ारा है बस के बाहर, यहाँ पे दिल्ली रेलवे स्टेशन, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। दोस्तों मेरी हालत देख लो मैं कैसा दिख रहा हूँ भाई, मेरी हालत ना बिल्कुल बैंड बजी हुई है और मैं अभी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर बैठा हूँ क्योंकि मैं अभी डिलीवर करके आके बिल्कुल थक चुका था, तो मैं सोचा कि बैठ लूँ और आपसे थोड़ा सा बात कर लूँ। तो ये अब देखो, तो दोस्तों
जरा डिब्बे में बिल्कुल सफ़र मत करना। और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है, बाय बाय।